राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोलन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सोलन में कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक आयुक्त भानु गुप्ता ने की। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न माध्यमों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया, वहीं नन्ही बालिकाओं ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज इस प्रोग्राम में स्वच्छता अभियान के लिए ऑनर किया गया। मैंने अपनी पंचायत में पूरे गांव में डस्टबिन दिलवाने के लिए लेटर लिखा था, तो पंचायत में कुछ समय बाद वो डस्टबिन पूरे गांव को दे दिए गए। और स्पेशली जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में लड़के किसी से कम नहीं है, और क्या बोलते हैं, वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अचीव कर ही रही है। और मैं भी एक हैंडीकैप लड़की हूँ, मैं 5 साल से इस बीमारी से, ऑस्टियोपोरोसिस मुझे एक बीमारी है जिससे मैं ग्रसित हूँ, और मैं इस बीमारी के चलते चलते भी काफ़ी कुछ अचीव किया है। मैंने 10th किया है, प्लस टू किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर MA इंग्लिश में किया है। उसके बाद मैंने हॉस्टल कंडा घाट से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा भी किया है। तो मेरा मानना है कि आज के टाइम में लड़कियों को बढ़ने देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि मेरी फैमिली भी मुझे करती है, आज तक भी कर रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि सबको, लड़कियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये DPICDS कार्यालय द्वारा आज मनाया गया। यहाँ पे मेन मकसद इसका ये है कि जितने भी हमारी बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना और ये संदेश देना कि लड़कियां जो है कि लड़कों से कम नहीं होती है, और जो लिंग भेदभाव होता है और अभी भी कई जगह पे हो रहा है उसको समाप्त करना है। तो आज जितनी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, 5 बच्चियाँ, उनको यहाँ पर इनाम दे करके, प्राइज़ दे करके सम्मानित किया गया, और ये संदेश दिया गया कि हम लड़कियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और लड़कियों को प्रोत्साहित करना जो है हमारी जिम्मेवारी है, ताकि हमारा जो पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जो लिंग अनुपात है वो सही रहे और लड़कियों का जो रेशियो है वो लड़कों से कंपैटिबली ज़्यादा रहे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।